हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वाराणसी जायका में मैं अर्चना रंजन आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये कितनी ही लजीज और कितनी टेस्टी दिख रही है। ये जितनी दिख रही है दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों, लौकी की सब्ज़ी अगर आप इस तरीके से एक बार बना के खा लेंगे तो आपका बार बार दिल करेगा बनाने को और खाने को। लौकी दोस्तों वैसे ही बहुत ज़्यादा विटामिन इसमें पाए जाते हैं, और ये इस तरीके से बनी है कि विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स से भरपूर हो जाती है ये सब्ज़ी, जो टेस्ट के साथ साथ हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखती है। तो आइए बनाते हैं लौकी की ये ज़बरदस्त सब्ज़ी। दोस्तों, लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के लौकी लिए हैं दोस्तों, जिसे छिल के बहुत अच्छे से साफ़ पानी से धुल लिया है, और तीन यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर और दो मीडियम साइज़ के प्याज और 6-7 हरी मिर्च और एक पोटी लहसुन ले लिया है। तो आइए अब लौकी को कट कर लेते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमने सारी लौकी कट कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे दोस्तों। अब इस तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे और 1/2 टी ही स्पून पचफोरन डालेंगे दोस्तों। जब ये दोनों चटकने लगे तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हमने प्याज को रफली ही कट किया था दोस्तों, क्योंकि हमें अभी मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीसना है। तो देखिए, ये भून लेंगे इसको दोस्तों। हमें इसे बस सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं भूनना है, नहीं तो सब्ज़ी में बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे सॉटे हो रहा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ हेल्दी टिप्स देती हूँ जो आपके हेल्दी लाइफ को और हेल्दी बनाने में मदद करेगा। प्याज अब सॉटे हो गया है दोस्तों, तो देखिए अब हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल के बस आधे मिनट तक इसको सॉटे करेंगे। देखिए, अब आधे मिनट हो गए हैं। हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को बस इतना सॉटे करना है कि उसके ऊपर का लेयर यानी छिलका आराम से निकल जाए। ये लगभग 2 मिनट तक हमें सॉटे किया है इसको। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे दोस्तों। ठंडा करके हम टमाटर के ऊपर लेयर यानी छिलके को छिलेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक कुकर ले लेते हैं और गैस की फ्लेम को लो रखते हुए हम इसमें कट की हुई सारी लौकी डाल देते हैं।
लौकी डालने के बाद दोस्तों हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 सीटी लगाएंगे। जब तक 2 सीटी आ रही है दोस्तों, तब तक हम जो हमने मटेरियल ठंडा करने के लिए रखा था रफली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें महीन पेस्ट नहीं बनाना है दोस्तों, केवल रफली पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये रफली पेस्ट मेरा बन के तैयार हो गया है। तो आइए एक पैन गरम कर लेते हैं। हमने वही पैन यूज़ किया है दोस्तों जिसमें हमने प्याज लहसुन और मिर्च टमाटर को सॉटे किया था। तो हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें तेज पत्ता और एक लाल मिर्च डाल के इसको लाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब तेज पत्ता लाल मिर्च ये बहुत अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम इसमें वो जो रफली पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे। ये पहले भी आधा भून चुका है तो बहुत ही कम समय लगेगा इसको भूनने में दोस्तों। इसको आधे मिनट तक चलाते हुए भून लें। अगर आपको लगे कि मसाला लग रहा है या जल रहा है तो आप पानी, थोड़ा सा पानी 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम मिक्सर ग्राइंडर में जो मसाले लगे हुए थे उसमें 3-4 चम्मच पानी डाल के हम मसालों में डाल देंगे। तो देखिए हमने डाल दिए हैं दोस्तों। अब इसको 2 मिनट तक चलाते हुए ऐसे भून लें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। इसको बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मसाले परफेक्ट भून चुके हैं। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। वन टीस्पून के करीब एवरेस्ट का चिकन मसाला डाल देंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि चिकन मसाला तो जानते हैं वैसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये 1 चम्मच के करीब डाल दें। अब हमने जो कुकर में लौकी रखा था पकने के लिए, अब वो पक चुके हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे, डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही ओपन करके पकाएंगे। लेड हम नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं। बस इसको हल्का सा भुनेंगे। 2 मिनट हो चुका है भुनते हुए। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और एक तड़का पैन गैस पे रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, क्योंकि हम बटर से तड़का लगा रहे हैं दोस्तों। बटर पहले नहीं डालेंगे क्योंकि बटर केवल मेल्ट होने तक ही इसको हम तड़के पैन में रखेंगे। ये बटर मेल्ट होने से पहले हम इसमें राई डाल देंगे दोस्तों। अब इसको चम्मच की सहायता से चलाएंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। तो देखिए अब ये राई चटकने लगा है।
तड़का रेडी है। देखिए दोस्तों, तो ये लौकी की डिलीशियस सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो ये रही आज की हमारी पहली टिप्स, बटर को मेल्ट होने तक ही गर्म करें। अगर बटर को मेल्ट होने के बाद भी हम गर्म करते हैं तो बटर का स्वाद और क्वालिटी दोनों कम हो जाती है। दूसरा और लास्ट टिप दोस्तों आज का, लौकी को छिलते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि छिलके के नीचे जो क्रीम परत होती है उसमें विटामिनें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए लौकी को इतना ना छिलें कि उसका वाइट लेयर दिखाई देने लगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।